मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कल ऊना जिला के एक दिवसीय दौरे पर आने पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हिमाचल वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने मुख्यमंत्री के दौरे के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र ऊना सदर में लगभग 115 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि हिमाचल औद्योगिक विकास का श्रेय प्रदेश के बीजेपी सरकारों के 19 साल के कार्यकाल को जाता है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक विकास सहित कुछ अन्य बड़े विकासात्मक प्रोजेक्ट विभिन्न समय पर बीजेपी सरकारों के ही समय शुरू हुए हैं। अपने दावे के पक्ष में उन्होंने ऊना जिला में स्थापित क्रीमिका और नेस्ले उद्योग प्लांट सहित इंडियन ऑयल प्लांट तथा स्वा नदी के चैनलाइजेशन योजना का भी जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले समय में 700 करोड़ की लागत से एक और इंडियन ऑयल प्लांट सहित एक इथेनॉल का प्रोजेक्ट आने की पुष्टि भी की। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि यदि प्रदेश में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क आता है तो इससे 25 से 30 हजार लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। अगले कल मुख्यमंत्री जी ऊना विधानसभा क्षेत्र में 115 करोड़ रुपए से ज़्यादा के शिलान्यास और भूमि पूजन कर रहे हैं और 50 ऐसी स्कीम हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, स्पोर्ट्स से, उसके साथ साथ जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो हमारा इरिगेशन और वाटर सप्लाई की स्कीम्स हैं, ऐसे अलग अलग स्कीमें हैं जल शक्ति विभाग के माध्यम से, उनका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के साथ साथ हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग जी, हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज जी, हमारे पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर जी और जिला के समस्त विधायकों को हमने निमंत्रण दिया है, वो लोग आएंगे और अन्य सभी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, वो सब लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। कल सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री जी बसदेड़ा प्लस टू स्कूल के ग्राउंड में आएंगे। बाकी कम लेंगे आने जाने में, वो गाड़ियों की होगी तो सारा हम लोग व्यवस्था कर लेंगे, आप लोग वहाँ रहें। और उसके साथ साथ मेरा एक और आग्रह है आप सब लोगों से कि उसके माध्यम से हमारे जिला का कभी हम सब लोगों को एक ऐसा डेवलपमेंट से संबंधित, जो कांग्रेस बार बार डींगे हाँकती है कि हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, बड़े बड़े लीडर्स कांग्रेस के जहाँ पर बोलने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, कभी एक बार कंपैरिजन एनालिसिस करना चाहिए। बीजेपी की गवर्नमेंट्स अभी तक हिमाचल प्रदेश में 74 साल में 18 साल रही है, 19वां साल पूरा हो रहा है हमारा दिसंबर में, 10 साल धूमल साहब के, 5 साल शांता कुमार जी के, 2 बार और जयराम ठाकुर जी के 4 साल, अभी 5वां वर्ष शुरू हो रहा है 27 दिसंबर से। अगर आप लोग ऊना जिला का देखेंगे, मैं पूरी स्टेट में नहीं अभी जाना था, जिला के अंदर जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स आए वो भारतीय जनता पार्टी के समय पर आए। अगर आप देखेंगे तो इंडियन ऑयल का टर्मिनल, ऊना नेशनल हाईवे अप टू अम्ब 120 करोड़ रुपए का जो धूमल साहब ने शिलान्यास इंदिरा ग्राउंड के बाद किया था, आप लोग जनसभा में भी गए होंगे उस समय। उसके बाद स्वायन चैनलाइजेशन आज से 20 वर्ष पहले जब धूमल साहब की गवर्नमेंट बनी थी 98 में, धूमल साहब के समय पर बन करके गई और बीच में कुछ पैसा कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट थी तो नरेंद्र मोदी जी ने उस समय दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा पैसा 922 करोड़ दे करके खड्डों का चैनलाइज किया। इसी तरह से अगर आप देखेंगे इंडियन ऑयल का टर्मिनल, जब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट दिल्ली में